इस लेसन का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। ये पार्ट सेकंड है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, कभी कभी मुझे एक रुपया मिल जाता है। इवन अ 10 रुपी नोट, और कभी कभी तो 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहेब सेज, साहेब ऐसा बोलता है। हिज आईज लाइटनिंग अप, और ऐसा कहते हुए उसकी जो आँखें हैं वो चमक उठती है। लाइटनिंग यानी चमक उठना, चमक उठती है। वैन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, कि जब वैन यानी जब यू कैन फाइंड, कि जब आप पा सकते हो एक सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज। हीप यानी ढेर, गार्बेज यानी कचरा, कि जब आपको कचरे के ढेर में एक रुपया मिल जाता है चांदी का, या चांदी का सिक्का मिल जाता है, तो यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो फिर आप खोजना जारी छोड़ नहीं सकते, यानी कि आप फिर उस इसमें खोजने को छोड़ नहीं सकते, कंटिन्यू रखते हो आप ढूंढना। फॉर देयर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, इस आशा में और प्राप्त करने की, यानी और मिलने की आशा के अंदर आप उस काम को छोड़ते नहीं हो और आगे से आगे करते जाते हो। इट सीम्स, ऐसा लगता है, सीम्स यानी लगता है, तो ये ऐसा लगता है दैट फॉर चिल्ड्रन, कि उन बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ ए मीनिंग ऑफ डिफरेंट, कि गार्बेज जो है वो एक अलग अर्थ रखता है, डिफरेंट इन अलग, अलग अर्थ रखता है बच्चों के लिए फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के अर्थ से, यानी कि कचरे का मतलब बच्चे अलग लेते हैं और माता पिता अलग लेते हैं। ये किस तरह से है ये देखते हैं कि फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, कि बच्चों के लिए इसका अर्थ है जैसे आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज़, रैप्ड यानी लिपटा हुआ, तो जैसे कोई आश्चर्यचकित वस्तु है जो किसी चीज़ में लिपटी हुई है, बस इतना सा मतलब है बच्चों के लिए कचरे का। फॉर द एल्डर्स, लेकिन बड़ों के लिए, एल्डर्स यानी बड़े, लेकिन बड़ों के लिए इसका मतलब कुछ और है, और वो है कि इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, कि ये जीने का सहारा है, कि अगर जीना है तो रेक पिकिंग करनी पड़ेगी। तो वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, तो एक दिन मैंने क्या देखा, विंटर मॉर्निंग यानी कि सर्दियों की सुबह, विंटर यानी सर्दियाँ, तो सर्दी की सुबह मैंने क्या देखा, आई सी साहेब, साहेब को देखा स्टैंडिंग, खड़े हुए बाय द फेंस्ड, फेंस्ड यानी कांटों की बाड़ लगी हुई, यानी बाड़ युक्त, फेंस्ड का मतलब बाड़ युक्त गेट यानी दरवाज़ा, तो बाड़ युक्त दरवाजे को देखा, ऑफ द नेबरहुड, जो पास में ही था, पड़ोस में था, पड़ोस के क्लब के लगा हुआ था। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, और वो देख रहा था, वॉचिंग यानी देखते हुए, देखते हुए, टू यंग मैन, दो जवान व्यक्तियों को ड्रेस्ड, जो पहने हुए थे इन वाइट यानी सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस, और वो टेनिस खेल रहे थे, यानी टेनिस कोर्ट था। आई लाइक द गेम ही हम्स, तो वो बुदबुदाया, हम्स यानी बुदबुदाया, और ये बुदबुदाया कि मुझे ये खेल पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो संतुष्ट हो रहा था, वो संतुष्ट था खड़े होकर देखने, बाढ़ के पीछे से देखकर ही वो इस खेल से संतुष्ट था। आई गो, मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ, इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, कि मैं जाता हूँ अंदर, व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई आसपास नहीं होता, अराउंड यानी आसपास, कि जब कोई आसपास नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स, वो इसको एक्सेप्ट करता है, यानी वो स्वीकारता है इस चीज़ को, या आगे कहता है कि जब कोई नहीं होता तब मैं चला जाता हूँ इसके अंदर, इस कोर्ट के अंदर। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, क्योंकि गेट कीपर जो है वो मुझे क्या करने देता है, स्विंग यानी झूला, झूलना, कि जो गेट कीपर है वो मुझे झूला झूलने देता है। साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, और साहेब जो है उसने भी पहने हुए हैं टेनिस के कपड़े, देट लुक स्ट्रेंज ओवर द हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, और ये जूते जो हैं देट लुक स्ट्रेंज, वो अजीब दिखाई देते हैं, ओवर हिज डिसकलर्ड
डिसकलर्ड का मतलब रंग उड़ा हुआ, रंग उड़ा हुआ, तो यानी उड़े हुए रंग के, उसकी जो शर्ट है उस पर और उसके शॉर्ट्स, शॉर्ट्स एंड निकर, तो नेकर और शर्ट के ऊपर वो अजीब से लगते हैं। सम वन गेव देम टू मी ही सेज, और आगे वो कहता है कि किसी ने मुझे ये दिए थे, यानी जूते दिए थे, इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन है समझाने में, कि वो आगे समझाता है कि एक तरीका, मैनर एंड तरीका, तो समझाने के एक तरीके में वो कहता है कि ये जूते मुझे किसी ने दिए थे। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, लेकिन सच ये है, द फैक्ट सच, सच ये है कि दे आर डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड एंड मना कर देना, मना करना, पहनने से मना कर दिए थे उसको, ये फेंक दिए थे शूज, सम रिच बॉय, किसी अमीर लड़के के द्वारा उन जूतों को पहनने के लिए मना कर दिया गया था। हु परहैप्स रिफ्यूज्ड टू वियर देम बिकॉज, और जो कि वो पहने हुआ था, परहैप्स ने शायद रिफ्यूज टू वियर, पहनने के लिए मना कर दिया था, देम बिकॉज ऑफ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उसमें एक छेद हो गया था, डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन ये छेद उसको परेशान नहीं करता था, यानी कि साहेब के लिए उस जो छेद था उसका कोई मतलब नहीं था। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट इवन शूज विद द होल इज ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि वह बच्चा जो हमेशा नंगे पैर, बेयर फुट एंड नंगे पैर चलता है, इवन शूज़, तो यहाँ तक कि केवल जूते, विद होल, एक छेद सहित, इज़ ए ड्रीम कम ट्रू, वो तो ऐसा है जैसा किसी सपने का सच हो जाना। बट परंतु द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जिस खेल को देख रहा है, द गेम ही इज वॉचिंग, लेकिन जिस खेल को देख रहा है, सो इंटेंटली, इंटेंटली यानी ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक, इंटेंटली, ध्यानपूर्वक, इज आउट ऑफ रीच, वो उसकी पहुंच, रीच है ना, वो उसकी पहुंच से बहुत दूर है। दिस मॉर्निंग, और इस सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे टू अ मिल्क बूथ, अब इस सुबह मैंने क्या देखा कि साहेब जो था वो अपने रास्ते पर था टू द मिल्क बूथ, एक दूध डेरी, मिल्क बूथ है ना, डेरी, तो एक डेरी की तरफ जा रहा था वो। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनेस्टर, और एक उसके हाथ में एक स्टील का बर्तन था, कनेस्टर ने बर्तन, तो एक स्टील का बर्तन था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, तो उसने कहा, ही सेज ने, वो कहता है कि मैं अब काम करता हूँ एक चाय की थड़ी पर, स्टॉल है ना, थड़ी, एक चाय के स्टॉल पर काम करता हूँ, डाउन द डिस्टेंस, जो कुछ ही दूरी पर आगे है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, कि मुझे मिलते हैं, आई एम पेड है ना, मुझे चुकाए जाते हैं या मुझे मिलते हैं 800 रुपये, एंड ऑल माई मील्स, और मेरे सभी प्रकार के भोजन, इट मीन्स ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तीनों प्रकार के भोजन मुझे मिलते हैं, मील्स है ना, भोजन, तो सभी भोजन मुझे प्राप्त होते हैं। केयरफ्री लुक, उसने लापरवाही से कहा, सॉरी, डज ही लाइक द जॉब, क्या वह इस जॉब को पसंद करता है, क्या ये जो उसने जॉब पकड़ी उसको पसंद भी करता है, आई आस्क, मैंने पूछा उससे। हिज फेस आई सी, उसका चेहरा जो मैं देखती, देखा मैंने, या मैं देखती हूँ उसका चेहरा, अब हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक, उसने खो दिया था लापरवाही का दिखावा, यानी जो लापरवाह था पहले, केयरफ्री था, किसी प्रकार की उसे कोई चिंता नहीं थी, वो चमक उसने खो दी थी। द स्टील कनस्तर, क्योंकि द स्टील कनस्टर सीम्स हैवियर, हैवियर यानी भारी, ज़्यादा भारी देन द प्लास्टिक बैग, कि वो जो कचरा बीनने का प्लास्टिक बैग था उससे ज़्यादा भारी नज़र आने लगा था वो कनस्तर। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिसको कि वो अपने कंधों पर आसानी से, हल्के से ले जा सकता था वो, यानी ले जाता था। द बैग वाज हिज, जो कि, और वो बैग भी उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन ये कनस्तर उस व्यक्ति का है
जिसकी दुकान है, ओनर यानी मालिक, जो इस दुकान का मालिक है उसका कनस्तर है। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और साहेब जो था अब वो खुद का मालिक नहीं रहा था क्योंकि वो अब किसी दूसरे के यहाँ नौकरी करने लग गया था। इस प्रकार से एक स्टोरी ख़त्म होती है, साहेब की स्टोरी एंड हो जाती है। अब शुरू होगी दूसरी स्टोरी जो मुकेश से संबंधित है। मुकेश की स्टोरी शुरू होती है कि मुकेश क्या काम करता था और किस तरह अपना जीवन यापन करता था। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, कि मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, अब मुकेश जो है जोर देता है, इंसिस्ट यानी जोर देना, को जोर देता है अपने स्वयं का मालिक बनने में, कि मैं स्वयं का मालिक बनना चाहता हूँ। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, और मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मोटर सुधारने वाला, मैकेनिक का मतलब मिस्त्री, एक मिस्त्री बनना चाहता हूँ। ही अनाउंसेस, वो ये घोषणा करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। डू यू नो एनी थिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, तो मैंने पूछा कि क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते भी हो, या ऐसे बोल रहे हो, कुछ जानते हो कारों के बारे में। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं सीख लूँगा एक कार को चलाना, ड्राइवर ने कार चलाने में सीख लूँगा। ही आंसर्स, वही जवाब देता है। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज़, सीधा मेरी आंखों में देखते हुए, यानी मेरी आंखों में देखते हुए सीधा जवाब देता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज अमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, उसका सपना, हिज ड्रीम यानी उसका जो सपना है, लूम्स यानी प्रतीत होता है, लाइक ए मिराज, एक मिराज, मिराज बोलते हैं दृष्टि भ्रम, कि जो है रियल में होता है उसे दिखाई नहीं देता। अमिडस्ट द डस्ट, अमिडस्ट यानी बीच में या बीच, डस्ट यानी धूल, ऑफ स्ट्रीट्स यानी गलियां, दैट फिल फिल यानी भरी हुई, हिज टाउन फिरोजाबाद, तो उसका जो सपना है एक दृष्टिभ्रम प्रतीत होता है फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों के बीच में। फेमस फॉर इट्स बैंगल, और ये फिरोजाबाद प्रसिद्ध है अपनी चूड़ियों, बैंगल्स यानी चूड़ियाँ, तो अपनी चूड़ियों के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, फिरोजाबाद में हर दूसरी फैमिली यानी कि हर परिवार वो व्यस्त है, एंगेज्ड यानी व्यस्त, व्यस्त है मेकिंग बैंगल्स यानी चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव, तो ये केंद्र है पूरे भारत का ग्लास ब्लोइंग यानी ग्लास से बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, यानी ग्लास से जो भी निर्मित प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए एक बड़ी इंडस्ट्री फिरोजाबाद में है, जहाँ पर जो फैमिलीज है, जहाँ पर जो परिवार है वो स्पेंट जनरेशनों यानी उन परिवारों ने गुजार दिया यहाँ पर, जनरेशन यानी पीढ़ियाँ हैं, इट मीन्स ये चूड़ी बनाने का काम पीढ़ियाँ से कर रहे हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस यानी फर्नेसेस भट्टियों के आसपास कार्य करना, वेल्डिंग ग्लास और कांच को आपस में जोड़ना, वेल्डिंग यानी जोड़ना, इन मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स, और ऐसा लगता है जैसे चूड़ियाँ बनाना ऑल द वीमेन लैंड इट सीम्स यानी पूरे दुनिया की जो औरतें हैं उनके लिए चूड़ियाँ यहीं पर बनती है, ऐसा प्रतीत होता है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, और मुकेश की फैमिली भी उनमें से ही एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature. उनमें से कोई भी ये नहीं जानता, none of them, उनमें से कोई भी नहीं जानता that it is illegal. Illegal का मतलब होता है अवैध, कि ये अवैध कार्य है for children, बच्चों के लिए, like him, उसकी तरह यानी मुकेश की तरह, to work in the glass furnaces, कांच की भट्टियों के आसपास काम करना बच्चों के लिए अवैध है। विद हाई टेम्परेचर और उच्च तापमान, टेम्परेचर यानी तापमान, यानी कि ऊंचे तापमान पर कार्य करना
या बच्चों से उच्च तापमान पर भट्टियों के पास में कार्य करवाना एक अवैध कार्य है, इसके बारे में वह कोई नहीं जानता। इन डिंजी सेल्स, डिंजन अंधेरी और सेल्स यानी कोठरियाँ या कमरे, तो उन अंधेरे कमरों में, अंधेरे कोठरियों में विदाउट एयर, बिना हवा के एंड लाइट और बिना प्रकाश, दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड, और यदि यानी उनको काम करना पड़ता है बच्चों को अंधेरी कोठरियों में और बिना लाइट के, बिना हवा के। अब इसके बारे में कानून ये कहता है, दैट द लॉ, कि कानून क्या कहता है कि इफ़ एनफोर्स्ड, कि अगर कानून को लागू कर दिया जाए, यानी कि एनफोर्स यानी लागू करना, तो कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग देयर डेलाइट आवर्स। यानी अगर कानून को लागू कर दिया जाए तो क्या होगा, कुड गेट हिम, तो वो खुद भी इसको प्राप्त कर सकते हैं ना, वो यहाँ से बाहर हो सकता है, एंड ऑल दोज 20,000, और वो 20,000 जो बच्चे हैं उनको भी उन गर्म भट्टियों से बाहर निकाल सकता है वो, वेयर दे स्लॉग, स्लॉग यानी हार्ड वर्क, जहाँ पर वो कठिन मेहनत करते हैं दिन भर, डेलाइट आवर्स यानी दिन के पूरे घंटों में वो मेहनत करते रहते हैं, तो वहाँ से बाहर निकाल सकता है। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और कभी कभी, ऑफन यानी कभी कभी या अक्सर, यूँ कहें अक्सर, ये बच्चे जो हैं अपनी ब्राइटनेस यानी चमक, आँखों की जो चमक है वो खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, और मुकेश की जो आँखों की चमक, आँखों की जो बीम है ना, यहाँ पर रोशनी या चमक, जो आँखों की चमक थी, एज ही वॉलंटियर्स, जैसा कि वो खुद स्वीकारता है, वॉलंटियर्स है खुद की इच्छा से या स्वीकारता है, टू टेक मी होम, वो उसे अपने घर लेके गया, लेखिका को अपने घर लेके जाता है मुकेश, विच ही प्राउडली सेज इज बींग रीबिल्ट, जिसको कि वो गर्व के साथ कहता है कि उन्होंने घर को दोबारा रीबिल्ट है ना, दोबारा बनाया है, दोबारा बनाना, तो उनके घर को दोबारा बनाया गया था। वी वॉक डाउन स्टिकिंग लेंस चॉक्ड विद गार्बेज, तो हम चले या हम चलते हैं, डाउन यानी आगे की तरफ चलते हैं, स्टिकिंग यानी सड़ती हुई, बदबू मारती हुई, सड़ना, सड़ती हुई गलियां, चॉक्ड जो जाम थी, चॉक्ड यानी जाम, विद गार्बेज यानी कचरे के से, पास्ट होम्स दैट रिमेन होवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जो घर गुजरे यानी कि पास्ट होम्स हैं ना, पीछे वाले घर जिनसे हम गुजर के आए थे, दैट रिमेन्स होवेल्स, वो भी होवेल्स यानी टूटी फूटी झोंपड़ियाँ, वो भी टूटी फूटी झोंपड़ियाँ ही थी और कुछ भी नहीं थी इसके अलावा, विथ क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग यानी गिरती हुई, गिरती हुई दीवारों के साथ, वोबली डोर्स डगमगाते, डगमगाते डगमगाते दरवाज़ों के साथ थी, नो विंडोज जिनमें कोई खिड़कियां नहीं थी, क्राउडेड और उसमें भीड़ थी, विद फैमिली यानी परिवारों की, यानी कई परिवार थे वहाँ पर, ऑफ ह्यूमंस जहाँ पर मानव भी थे, एंड एनिमल्स और जानवर, को एग्जिस्टिंग, को एग्जिस्टिंग एक साथ रहना, कि वहाँ पर जानवर और इंसान एक ही साथ रह रहे थे उन घरों में, अ प्राइमेवल स्टेट, एक प्राचीन, प्राइमेवल है ना प्राचीन, आदिवासी अवस्था, स्टेट एन अवस्था, जैसा लगता था जैसे बहुत ही प्राचीन अवस्था वहाँ पर हो। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और वो रुक जाता है, ही स्टॉप्स यानी रुकता है, एट द डोर एक घर के बाहर, वन सच ऑफ हाउस उन्हीं प्रकार के ना, जैसे हम देखते रहते उन्हीं प्रकार के घरों में से एक के सामने मुकेश रुक जाता है। बैंक्स, बैंक्स यानी धक्का मारता है, धक्का मारता है, अब वोबली यानी डगमगाते हुए आयरन डोर लोहे के दरवाजे को, विद हिज फुट अपने पैर से धक्का मारता है, एंड पुशेज और फिर पीछे के खोलने के लिए धकेल देता है पीछे की तरफ। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, और हम अंदर प्रवेश करते हैं एक आधे बने हुए झोंपड़ी नुमा घर के अंदर, जो कि
इन वन पार्ट ऑफ इट, जो उसके घर के जो घर था उसका ही एक हिस्सा था, थैच्ड और ये छप्पर, थैच्ड का मतलब घास फूस का छप्पर, विद डेड ग्रास यानी मरी हुई ग्रास या घास फूस से बना हुआ था, इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच, और जिसके अंदर एक लकड़ी से जलने वाला चूल्हा पड़ा हुआ था, सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, और उसके अंदर वो जो चूल्हा था उसके ऊपर एक बड़ा सारा लार्ज वेसल, बड़ा सारा बर्तन रखा हुआ था, बड़ा बर्तन ऑफ सिजलिंग, सिजलिंग उबलता हुआ, उबलता हुआ। वैसे तो सिजलिंग का मतलब छन छन की आवाज़ होती है, तो छन छन की आवाज़ जब उबल रहा था पानी, तो उसके अंदर स्पिनच, स्पिनच यानी पालक, पालक की पत्तियां उबल, यानी पालक उबाला जा रहा था, ऑन द ग्राउंड इन अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और ज़मीन के ऊपर बड़ी सारी एल्यूमिनियम की प्लेटें रखी हुई थी जिसमें और भी कटी हुई सब्जियां पड़ी थी। अब फ्रेल, फ्रेल यानी पतली, दुबली पतली, एक पतली सी यंग वुमन, एक जवान औरत, इज कुकिंग द इवनिंग मील, वो पका रही थी द इवनिंग मील यानी शाम का भोजन, फॉर द होल फैमिली अपने पूरे संपूर्ण परिवार के लिए, थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक, और उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ था, शी स्माइल्स, वह मुस्कुराती है, शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है यानी कि मुकेश की भाभी है, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, हालांकि उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है, शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज ए बहू, लेकिन उसने शुरू कर दिया है, बिगन ने शुरू कर दिया है कमांड रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट प्राप्त करना, आदर प्राप्त करना एज ए बहू, यानी उसने बहू का आदर प्राप्त कर लिया है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, और वो घर की बहू है, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मैन, जिसके जिसके पास तीन व्यक्तियों का चार्ज है या तीन व्यक्तियों की जिम्मेदारी है, और ये है हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, उसका पति मुकेश और उसके पिताश्री, इनकी सबकी जिम्मेदारियाँ उसी के ऊपर है। वैन द ओल्डर मैन एंटर्स शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, जब एक बूढ़ा व्यक्ति अंदर आता है यानी कमरे मकान के अंदर प्रवेश करता है, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड ब्रोकन वॉल, तो एक टूटी हुई दीवार के पीछे, सामान्यतः धीरे से पीछे चली जाती है उस टूटी हुई दीवार के पीछे, एंड ब्रिंग्स हर व्हील, और अपना घूंघट, व्हील यानी घूंघट, अपना जो घूंघट है क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे के पास लेकर आती है यानी चेहरा ढक लेती है। तो एज ए कस्टम डिमांड्स, जैसे कि कस्टम, जैसे कि परंपरा डिमांड यानी मांग करती है कस्टम के अनुसार, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि जैसे कि परंपरा रही है कि जो बहुएं होती है उनको घर में बड़े आने पर अपने जो चेहरा है वो घूंघट से ढकना होता है। इन दिस केस, लेकिन इस मामले में द एल्डर इज एन इम्पॉवरिस्ट, इम्पॉवरिस्ट का मतलब शक्तिहीन, शक्तिहीन, तो इस मामले में एक शक्तिहीन व्यक्ति है वो बड़ा वाला बैंगल मेकर जो कि चूड़ी बनाने वाला है। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, डेस्पाइट यानी के बावजूद यानी कि लंबे वर्षों तक हार्ड लेबर, कठिन मेहनत करने के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, वो पहले टेलर था, देन अ बेंगल मेकर, और उसके बाद बेंगल यानी चूड़ी बनाने वाला बन गया। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, और वो असफल, फेल्ड यानी असफल हुआ अपने घर को दोबारा से बनाने में, रिनोवेट यानी मरम्मत करवाना, तो अपने घर की मरम्मत करने में वो असफल रहा। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और उसको अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ रहा। ऑल ही हैज मैनेज्ड, उसने जो कुछ किया, मैनेजर ने जो कुछ भी किया उसने, टू डू हिज टीच देम, तो वो ये था कि उनको दोनों बच्चों को सिखाया उसने, व्हाट ही नो, जो कुछ वो जानता था,
और ये था द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला, केवल यही जानता था वो, और इसी को उसने अपने दोनों बच्चों को सिखाया। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी, ये उनके कर्म हैं, हिज डेस्टिनी और उनका भाग्य है, कि यही उनका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रांड मदर, ये बात कहती है मुकेश की दादी, हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, जिसने कि देखा है हर ओन हस्बैंड, जिसने कि अपने पति को देखा है गो ब्लाइंडेड, अंधा होते हुए, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग, पॉलिश करते हुए जो धूल उड़ती है उस धूल के कारण, द ग्लास ऑफ बेंगल्स, यानी कांच की चूड़ियाँ बनाते टाइम जो धूल उड़ती है उस धूल से अपने पति को अंधा हुआ होते हुए उसकी दादी ने देखा था। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, कैन ए गॉड गिवन लाइनेज, कि क्या भगवान द्वारा प्रदत्त, गॉड गिवन यानी भगवान द्वारा प्रदत्त, यानी उसके द्वारा जो दिया गया, लिनेज यानी वंश परंपरा, वंश परंपरा एवर भी ब्रोकन, के कभी तोड़ी जा सकती है। ऐसा उसकी दादी ने कहा कि भगवान द्वारा प्रदत्त वंश परंपरा को नहीं तोड़ा जा सकता। शी एम्प्लाइज, वो समझाती है, तात्पर्य बताती है कि ये तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, हमें इसको तोड़ नहीं सकते। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, कि चूड़ी बनाने वाली जाति में पैदा होकर उन्होंने कुछ भी नहीं देखा सिवाय इसके कि चूड़ियाँ, इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, यानी प्रत्येक घर में, प्रत्येक आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, यहाँ तक कि गलियों में, फिरोजाबाद की प्रत्येक गली में चूड़ियाँ ही बनती है।